बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में महागठबंधन जादुई आंकड़े से महज कुछ सीटें ही पीछे रह गया। जी हां, महागठबंधन को 110 सीटें मिली जबकि भाजपा को 125। उधर इस रिजल्ट को लेकर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव काफी चिंतित नजर आए। आपको बता दें कि रिजल्ट के दौरान उन्होंने टीवी से दूरी बनाए रखी, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। जी हां, रांची के रिम्स निदेशक के आवास में लालू प्रसाद यादव बेचैन दिखे। आपको बता दें, महागठबंधन की सरकार नहीं बनने का सीधा असर लालू प्रसाद यादव पर दिख रहा है। लालू प्रसाद की तबीयत भी ठीक नहीं दिख रही है, उनकी किडनी पहले से ही खराब है। एक उम्मीद जागी थी कि 9 नवंबर को वो जेल से बाहर आ जाएंगे। चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में उनकी आधी सजा पूरी हो चुकी है और इसी आधार पर 9 नवंबर को उन्हें जमानत मिलने की संभावना थी, लेकिन जमानत की सुनवाई टल गई है। अब उनके छठ से पहले बाहर आने की कोई भी संभावना नहीं रही है, यानी उनका इंतजार बढ़ गया है। संभव है कि इस दुख का भी असर लालू प्रसाद की सेहत पर पड़ सकता है। जी हां, एग्जिट पोल के रुझानों से महागठबंधन खेमे में खुशी की लहर थी। जी हां, लालू प्रसाद भी आश्वस्त हो गए थे कि पार्टी का 15 साल का वैराग्य खत्म होने वाला है, तेजस्वी मुख्यमंत्री की कमान संभालेंगे। बिहार की सत्ता एक बार फिर से लालू प्रसाद के परिवार के पास रहेगी, लेकिन नतीजे काफी निराशाजनक थे। जी हां, अगले 5 साल के लिए तेजस्वी को फिर से संघर्ष की जरूरत पड़ेगी। आपको बता दें कि सत्ता में आने पर लालू प्रसाद को फायदा हो सकता था, सरकार चलाने में उनका अनुभव तेजस्वी के काम आ सकता था, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। अब लालू प्रसाद को खुद पार्टी और बेटों के भविष्य की भी चिंता सता रही है। अगले 5 सालों तक सड़क से सदन तक के संघर्ष को कैसे जारी रखेंगे लालू प्रसाद यादव, ये उनको सोचना पड़ेगा। जी हां, तो और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 भोजपुरा से। सुरभि की रिपोर्ट।